वीजा मंडे आ गया और मुझे था कि मैं आज ट्रैवल करूंगी और 15 को वापस आ जाऊंगी क्योंकि मुझे ठीक यहाँ है, का वीजा रिन्यू करना है। ओके और फिर अभी जब वो रात में फ्लाइट और ये होटल बुकिंग करने लगे जिनसे वीजा किया है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ये एक मैसेज फ्लैश कर रहा है कि जो सिंगल नेम वाले हैं वो उनको शायद एंट्री ना दें। नहीं, मेरा उन्होंने आपको बोला कि उनको मैसेज मिल रहा है? जैसे वो किसी भी एयरलाइन में मतलब फ्लाइट के लिए बुकिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर मतलब स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो सिंगल नेम वाले हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अच्छा मुझे बस वही जानना था। मेरा तो खैर यहाँ से हो जाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ की आईडी है, तो मुझे था कि मेरी मम्मी का भी मतलब वहाँ इंडिया से प्रॉब्लम है, मुझे ये पूछना था। मेरा तो कोई नहीं, मैं तो चली जाऊंगी, मुझे ये है कि उनका वो भी उनका इधर से आ सिंगल जाए। नेम है ना, उनका सिंगल नेम है। उनका नेम तो वैसे डबल था पर वो पंजाब में पता है आपको वो एक जगह डाल देते हैं, सरनेम भी नीचे आप डाला मुझे एक हुआ बार है। वीजा की फोटो तो भेजो, मैं देखूं दूसरे एक बार कि जी उनका सही है भी या कि नहीं, क्योंकि नहीं उनके, मैं हाँ, आप एक बार जी फोटो पिक भेजो आप, ताकि मैं देखूं जी कि उनका हो जाएगा। तो आपने भी ट्राई यहाँ किया है कि नहीं किया है, किस चीज के लिए? मतलब जाने के लिए ट्राई किया है कि नहीं अभी? हाँ जी, मैंने रात को ही हमने सोचा कि दोनों की साथ में टिकट बुक तो कर रात को ही दें। आपको फिर इशू आया है? रात को जी जब वो करने लगे तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे फ्लैश कर रहा है मैसेज और यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो, शायद इंडिया से ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो शायद एयरलाइन वाले रोके। तो देखो, ऐसा है कि इशू तो वैसे नहीं आएगा। आप ना, स्पाइस जेट एयरलाइन है, ठीक है, जी, आप वो बुक करो उनके लिए। तो जैसे वो पंजाब में है तो चंडीगढ़ जो है वहां से मेरे हिसाब से स्पाइस जेट चलती नहीं है, वहां तो से फिर आप लेनी अमृतसर से इंडिगो। करवा दो, क्या कह रहे हो आप? अमृतसर से स्पाइस जेट जाती है। अच्छा अमृतसर से कर लें। बिल्कुल। तो मुझे यही जानना था कि आपके पास, जैसे आपने वीडियो डाला था मैंने रात में वही चेक की, तो मुझे था कि मैं आपसे अपडेट ले लूं क्योंकि आपको सब बताते हैं पूछते हैं ना बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल जा रहा बिल्कुल। है नहीं जा रहा है, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ मुझे था कि उनको ये उनको उन्होंने भी बोला कि 90% श्योर हैं, पर अभी रिफंड के चक्कर में कौन पड़ेगा। देखो मेरी टिकट यहाँ से हो जाएगी 50,000 की और हाँ जी, इंडिया हाँ जी। से मेरे हिसाब से 40,000 की है, इंडिया से भी नहीं, इतनी महंगी तो नहीं है, वन भी बोल रहे हैं या डबल नहीं आना डबल जाना? बोल रही हूँ मैं। हाँ, वो तो चलो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट इतना। हाँ बट तो फिर अमृत वही है ना। जी अमृतसर से देखो स्पाइस जेट जाती है, उनको जी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। जी जी और अब एक बार अपना पिक भेज देना, ताकि मैं देख भी जी लूँ मैं कि भाई क्या उनका आया हुआ है कि नहीं बाकी। जी जी और आप एक काम और कर सकते हो, जी जैसे अगर आप वहाँ से या फिर इंडिया से किसी को बोलो कि एक बार कस्टमर सर्विस पे कॉल करें, उनको बताए कि ये सिनेरियो ऐसे ऐसे नेम है, तो वो आपको जी वर्बली भी बता देंगे कि हाँ आप जा सकते हो, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो, और उस कन्वर्सेशन को आप रिकॉर्ड रख लेना एज अ प्रूफ। अब मैं स्पाइस जेट से मतलब बात करने को बोलूं कस्टमर केयर वैसे तो पे? करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा जी सिक्योरिटी रखनी है ना, तो सेफ साइड के लिए आप कर सकते हो। जी जी ठीक है। हाँ, वो अब मेरे सबसे सबसे बेस्ट एयरलाइन है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है किसी को भी। तो एमिरेट्स नहीं, मतलब मेरा ये है कि अभी मुझे सुबह की जो थी मेरी कतर की थी, मैंने कतर में पहले भी ट्रैवल किया है, तो शाम में जो मिल रही है वो थोड़ी महंगी है एमिरेट्स की है, पर वो मतलब मुझे 50-100 से कुछ नहीं है, मतलब यूरो की बात कर रही हूँ मैं। पर मुझे ये है कि मैं अगर फिर शाम की कर लूँ और एमिरेट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी कुछ? नहीं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, वो मैं इशू आपको सिर्फ और ना सिर्फ ये जी एयरलाइन का था जो इंडिया से बोर्डिंग दे रहे थे। आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। और जो जी जी सिंगल नाम वाला भी, अगर उनके वीज़ा में उनका उनके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम है ना, तो फिर कोई इशू नहीं है। जी मेरे भी फादर का नाम, जैसे मेरा नाम हाँ हाँ शबीना है, हाँ तो तो आपके मेरे वीज़ा फादर पे भी का नाम नाम आया होगा ना? जी मेरे वीजा पे आया है। मेरा तो वीजा ही मतलब सैटरडे किया है, संडे मेरे हिसाब से वर्किंग डे शायद होता नहीं है, मुझे इतना हाँ पता हाँ नहीं है। हाँ मंडे को मेरा सुबह ही आ गया है मॉर्निंग में ही, तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है कि मतलब 4 दिन या फिर हफ्ता लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। वीजा उन्होंने एकदम से ही दे दिया है, और सैटरडे को भी शाम को ही अप्लाई किया था हमने कि चलो अभी ट्यूसडे तक आ जाएगा, पर मंडे ही आ गया मॉर्निंग में।
तो मेरी जो मम्मी है उनका भी फादर नेम साथ में, फादर नेम भी सिंगल है मम्मी मेरी का, तो मम्मी का नाम और फादर नेम वीजा पे है, है तो ना। टिकट एयरलाइन वाले ही प्रॉब्लम कर रहे हैं वीजा नहीं, तो मतलब। आप उनको बोलो कि भाई स्पाइस जेट बुक कर दे, ठीक है, जी स्पाइस जी जेट से कोई इशू नहीं आएगा। जी ओके शुक्रिया हाँ, आपका। मैं और आपको यहाँ इंस्टा पे वीजा भेज दूँ, आप हाँ हाँ चेक कर यहीं पे लो। पिक भेज देना आप, मैं चेक कर लूँगा। जी जी और वही करना, अगर ज़्यादा ही सेफ चलना है तो एक बार कॉल कर लेना, बस और कुछ नहीं। आपको मतलब कोई अपडेट है कि रिसेंट किसी ने इंडिया से अगर ट्रैवल हाँ किया हाँ है? जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है अब कोई इशू नहीं है। हाँ फिर ठीक है, शुक्रिया आपका, मेरी जी थोड़ी टेंशन कम हुई। वैसे कोई बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं है मुझे मैंने ना यहाँ मैंने पे आके। मैंने जी लाइव एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं जिनका सिंगल नाम था और उन्होंने ट्रैवल किया है, मैंने वो भी वीडियो पता ज़्यादा है डाल रखी है। मेरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैंने 1 साल हो गया मैं तो इसी चीज में, ये ट्रैवल मैंने ना शैनेगर किया था, गोवा नहीं, तो ये एरिया यूरोप में आता है पर शैनेगर में नहीं आता, हाँ, मैं पता है 5 साल मुझे, से पता रह है, रही हूँ। पता है। तो मैंने शैंगन किया था उस टाइम, ऐसे ही फटाफट की विजिट वीजा कर देते हैं, तो उन्होंने अच्छे से नहीं किया जिनसे करवाया था अच्छे, इट मीन्स कि उन्होंने जैसे इंश्योरेंस वगैरह ये कुछ किया ही नहीं, करके ही नहीं दिया। तो मुझे ये चीज अभी पता चल रही है, जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि हाँ ये चीजें भी होती हैं। तो उसके बाद अभी मुझे दोबारा से मैंने किया, मतलब वो फिर मुझे डेट ही नहीं मिल रहा, मेरा पोलैंड का परमिट आया हुआ है, वो आया हुआ है अक्टूबर से आया हुआ, तो अभी तक उसका डेट नहीं मिल रहा, मतलब जाने का फिंगर का, तो वो अक्टूबर तक ही है, 1 साल का होता है परमिट, तो उससे पहले अगर 3 मंथ पहले आ गया मेरा, मान लो जुलाई तक आ गया, तो फिर मैं जा सकती हूँ, अदरवाइज वो भी ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। तरफ मैं इटली इटली का सोचा था, तो वो भी डेट नहीं मिल रहा, यहाँ पे डेट नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है। कोविड के बाद ना सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अभी जी, 2 साल ये तो किसी है, ने किया नहीं है अच्छे से, तो बिल्कुल चलो बिल्कुल। मैं इसीलिए डरती हूँ कि मेरे साथ कोई चीज अच्छी नहीं हो रही 1-1.5 साल से, नहीं, ये तो आपका हो मैं ये। जाएगा, आप उनका जी वो जी करवा दो और जी आप ट्रैवल कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। जी ओके शुक्रिया, चलो मैं ठीक है, आपको ना वो वीजा भेजती हूँ, आप ओके, देख लो एक बार, चेक कर बिल्कुल लो। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ओके थैंक्स। अभी आपने ये वीडियो देखी और इसमें आपने देखा कि अभी भी काफ़ी सारे बंदे कंफ्यूज हैं सिंगल नाम पासपोर्ट को लेकर। अभी बहुत सारे बंदे मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं वीडियोस के नीचे, पुरानी वीडियोस के नीचे, कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं क्या। तो भाई देखो, अभी जैसे मैंने इनको बताया और इनका वीज़ा इन्होंने शेयर किया था मेरे साथ, और उसमें जैसे इनके माता जी का नाम और उसके उनके फादर का नाम था, तो अभी उन्होंने फिर ट्रैवल कर चुके हैं वो। और जैसा कि मैंने बोला था कि आप स्पाइस जेट से बुक करो, और मैंने इनको बता भी दिया कि कहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, तो उन्होंने फिर वहीं से ट्रैवल किया और इनको फिर कोई भी इशू नहीं आया। तो ये आपके लिए, आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी हम पता नहीं ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न है। काफ़ी सारी पुरानी वीडियोज़ मैंने शेयर कर रखी हैं, लाइव एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किए हैं, स्पाइस जेट का, गो एयर का, एयर इंडिया का और इंडिगो का भी, सबका शेयर कर रखा है, जो भी एयरलाइंस मोस्टली जाती हैं। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लो, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है उसके बाद भी भाई, तो इंस्टाग्राम मेरा आ रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो, मैसेज करो, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न अब नहीं रहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उनका कन्फ्यूज़न था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बट स्टिल मैंने बोला कि अभी अगर आपके पासपोर्ट में सिंगल नेम है तो आप भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही था भाई इस वीडियो में, और इसको आप शेयर कर देना जिनका भी सिंगल नाम है उनके साथ, ताकि उनका जो डाउट क्लियर हो जाए और वो आराम से दुबई, यूएई ट्रैवल कर सके। दुबई, शारजा, अबू धाबी, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो जहां आपको फ्लाइट सस्ती मिल रही हो। तो अगर यही थी लेटेस्ट अपडेट सिंगल नाम को लेकर, अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो भाई इंस्टा पे आ जाना, फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगते हैं यार, फ्री में होता है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।